हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि पकौड़े खाना किसे नहीं पसंद। दोस्तों, आलू के पकौड़े हो, बेसन के पकौड़े हो, पालक के पकौड़े हो दोस्तों, केले के पकौड़े हो, तो दोस्तों पकौड़े खाना किसे नहीं पसंद। दोस्तों, रेसिपी न्यूज में आज की न्यू रेसिपी है दोस्तों, कॉर्न के पकौड़े। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कॉर्न के पकौड़े। दोस्तों, आप सबने बहुत ही कम देखा होगा कि लोग कॉर्न के पकौड़े भी बनाते होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, जो आज की न्यू रेसिपी है, उसमें हम आपको कॉर्न के पकौड़े बनाने की रेसिपी बताएंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो में दिख रहा है, ये कॉर्न है दोस्तों। कॉर्न के पकौड़े बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरतें पड़ेंगी वो हमारी मैडम रश्मि बताएंगी। बताइए जी। पहले कॉर्न को अच्छे से छीलें। हाँ, उसको एक बार धुले अच्छे से। अच्छा, ग्राइंड करें मिक्सर में। तो ये रहा दोस्तों जो आप देख रहे हैं। दोस्तों, ये पहले से हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, और ये अदरक और मिर्चा कॉर्न डालकर ग्राइंड किया है। इसमें दोस्तों अदरक और मिर्चा भी ऐड है, आप ऐड कर सकते हैं मिक्सी में। दोस्तों, ये रहा कॉर्न आप अच्छे से छील लें। छीलने का तरीका दोस्तों, चाकू से आप अच्छे से आगे की तरफ से करके छील लें। और ये रहा दोस्तों जो आप देख रहे हैं, कॉर्न अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर दिया गया है दोस्तों। और इसके लिए अब और क्या क्या जरूरतें पड़ेंगी? प्याज कटा बारीक और धनिया, बेसन। हाँ। और चावल का आटा। हाँ। इससे पकौड़ा क्रिस्पी बनेगा। और हल्दी इसमें ऐड करेंगे, और काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, आवश्यकता अनुसार नमक। कॉर्न में देखिए कैसे कैसे मिक्स होता है। बेसन, चावल का आटा, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, प्याज ऐड करेंगे इसमें। धनिया मैश करेंगे इसमें। तो ये रहा दोस्तों, देखिए इसमें सारी चीज़ हम ऐड कर लिए हैं, अच्छे से मैश किया जा रहा है। दोस्तों, अच्छे से मैश कर लेंगे तो इसमें पानी डालने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि ये खुद ही कॉर्न पानी छोड़ता है। हाँ। क्योंकि जो कॉर्न होता है वो नमी होता है। आप मिक्सी में जब आप ग्राइंड करेंगे दोस्तों, तो आपको ध्यान रहे कि इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों, देखिए कॉर्न और इसमें जो प्याज मिलाए गए, धनिया मिलाए गए, जो इसमें मसाले मिलाए गए दोस्तों, अच्छे से मैश कर लिया गया दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों, देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हमारी मैडम रश्मि निकालेंगी कॉर्न के पकौड़े। ये रहा दोस्तों, देखिए कितना खिला खिला सा इस कढ़ाई में आ रहा है कॉर्न के पकौड़े। दोस्तों आप सब वीडियो देखकर घर में जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। कॉर्न ये जो भुट्टे हैं, इसको भुट्टे के पकौड़े बोल सकते हैं दोस्तों। ये नॉर्मल आपको मार्केट में मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलेगा दोस्तों। नॉर्मल 10 रुपये के एक पीस मिलता ही है दोस्तों। हाँ, ये रहा दोस्तों, जैसे आप घर पे पकौड़े प्याज के बनाते हैं, आलू के बनाते हैं, बेसन के, पालक के, पनीर के पकौड़े, वैसे ही दोस्तों कॉर्न के पकौड़े आप घर पे से दोस्तों ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप एक बार बनाएंगे तो दोस्तों हफ्ते में 2 बार खाएंगे। कहीं सोचेंगे दोस्तों कि चले हफ्ते में 2 बार कॉर्न के पकौड़े खाए जाए दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों, देखिए या आपको ध्यान रहे दोस्तों, ये जो कॉर्न के पकौड़े, इसको हल्के फ्लेम पे आप बनाएं। ज़्यादा फ्लेम करेंगे तो दोस्तों कॉर्न के पकौड़े जलने की संभावना रहेगी दोस्तों। ये रहा दोस्तों, देखिए दोस्तों कॉर्न के हम और रेसिपी बनाएंगे दोस्तों, नए रेसिपी बनाएंगे। आप हमारे वीडियो को देखते रहिएगा दोस्तों। अभी कॉर्न की नई रेसिपी, अगली रेसिपी जो होगी दोस्तों, वो कॉर्न की ग्रेवी रेसिपी होगी दोस्तों। हमारी मोहतरमा को सारी रेसिपी आती है बनाने। तो ये रहा दोस्तों, देखिए शानदार कॉर्न के पकौड़े, भुट्टे के पकौड़े। इसे आप भुट्टा, गांव में दोस्त भुट्टे ही बोलते हैं, मकई भी बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना शानदार खिल के आ गया, जैसे जैसे फूल खिल जाता है पेड़ में दोस्तों, वैसे ही। ये रहा दोस्तों, देखिए वाह, शानदार कॉर्न के पकौड़े बनकर रेडी हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ये
वीडियो और ये कॉर्न के पकौड़े की रेसिपी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों बेल आइकॉन भी दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपको नई नई रेसिपी की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही प्यार हमारे वीडियो को करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। थैंक्स फॉर देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।